शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मुंब्रा वाई जंक्शन पर रॉन्ग साइड से आ रही एक ऑटो रिक्शा ने एक कार को जबरदस्त टक्कर मार दिया है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में सवार एक महिला, एक बच्ची और एक व्यक्ति को चोट लगी है। ये घटना कल दोपहर के वक्त में मुंब्रा वाई जंक्शन के पास हुआ है। हालांकि रिक्शा ड्राइवर की जमकर लोगों ने पिटाई भी कर दी है। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में दो महिलाएं, दो छोटी बच्चियां और एक व्यक्ति सवार था। हादसा होने की वजह बताई जा रही है कि माज होटल की तरफ से रॉन्ग साइड से गाड़ियां आती हैं और यहां ऑटो रिक्शा ड्राइवर, जिसका नाम जैस बताया जा रहा है, ये ऑटो रिक्शा में पैसेंजर बिठाकर रॉन्ग साइड माज होटल की तरफ से वाई जंक्शन के तरफ आ रहा था, तो दूसरी तरफ से मोहम्मद सैयद कार लेकर जा रहे थे और इनकी कार और ऑटो रिक्शा के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार और ऑटो रिक्शा ये दोनों क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं गुस्साई भीड़ ने ऑटो ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार एक महिला और एक बच्ची और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। मेरा नाम मोहम्मद सैयद भाई, मैं रहने के लिए कोपर के नाम में हूँ। ये भाई, इनकी रिक्शा से मेरी गाड़ी की टक्कर हुई है। इनकी रिक्शा के अंदर दो औरतें, एक जेंट्स, दो बच्चे, जिसकी की उम्र 3 साल और 4.5 साल 5 साल के करीब करीब थी। ये भाई नशे के अंदर है, चरस गांजा जो भी पिए रहो उसके नशे के अंदर है। ये सब आवाम बोल रही है अपने वालों की। तो ये भाई बोलते हैं मैं नशे के अंदर नहीं हूँ, जबकि वो औरत जो बैठी थी उसने भी कबूल ली है कि ये भाई राइट लेफ्ट हो रहे थे। ये भाई के पास लाइसेंस, परमिट, रिक्शा का कागज कुछ नहीं है, वर्दी तक नहीं है और ये भाई गाड़ी चला रहे। प्लस ये कहला रहे कि मेरी गलती कोई नहीं थी, जो गाड़ी वाला मैं आया हूँ उसकी गलती थी। टक्कर ऑटो रिक्शा की टक्कर आपके गाड़ी से? इनके ऑटो की रिक्शा की टक्कर मेरे बलिनों से हुई। मेरे गाड़ी में हम दो जन थे, इनके गाड़ी के अंदर 5 पैसेंजर थे, जिसमें दो बच्चे, दो औरतें, एक जेंट्स आदमी। बच्चे लोग को भी चोट लगाया ज्यादा नहीं, जिसमें से एक 3 साल की, 3 साल की जो बच्ची है उसके मुंह पे मार लगा है, उसको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजे और प्लस उसके पैर पे मार लगा है। बाकी आप लोग खैर करे भाई, जो की हालत देख लो। जैसे ऑटो रिक्शा चला रहा है, लाइसेंस है तेरे पास? अभी तू बोल रहे रॉन्ग साइड भी आ रहा था, तूने टक्कर मार दिया। खुदा की कसम अभी एक बच्ची को चोट लगा, आखिर कौन जिम्मेदार होगा उसका? तो रॉन्ग साइड चला रहा है। देखो यहाँ से तो वो सही, मेरे को भी तो नहीं मानता नहीं है भाई, ऐसा रोंग आएंगे। नहीं नहीं, वो तो अपनी जगह सही जा रहे थे ना, तो तुम रॉन्ग क्यों आ रहे थे, वो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आना चाहिए ना रॉन्ग।